मैं भगवती जमनाल सीएससी संवाद में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। सीएससी संवाद में हम रूबरू होते हैं सीएससी द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में। आज की सर्विस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसका जो जिस क्षेत्र से वो सर्विस है उसका नाम है पेंशन। और पेंशन के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीएससी के सीईओ डॉक्टर दिनेश त्यागी जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, भारत सरकार ने बहुत सारी पेंशन स्कीम हाल फिलहाल में लॉन्च करी हैं, जिनमें अटल पेंशन योजना, पीएमएसवाईएम और पीएमकेवाईएम, बहुत सारी सेवाएं एकदम से पेंशन के बारे में लॉन्च किया है। तो पहला प्रश्न ये आता है कि भारत जैसे देश में पेंशन की क्या महत्ता है, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो भारत का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, जो एम्प्लॉयड लोग हैं अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। देखिए, शायद पहली बार देश में सोशल सिक्योरिटी के लिए स्कीम्स लॉन्च की गई हैं और वो करीब करीब सभी को कवर करती हैं। जैसे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर काम करती है, अबाउट 40 करोड़ लेबर्स हैं, उन लेबर्स को जब वो 60 साल के हो जाते हैं तो उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, उनके लिए कोई पेंशन स्कीम नहीं होती है। तो भारत सरकार ने स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन योजना, जिसमें हर वो लेबर जो कहीं भी काम करता है, अगर उसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है, तो अपने आप कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द एज, और उस कंट्रीब्यूशन के इक्विवेलेंट अमाउंट भारत सरकार कंट्रीब्यूट करती है। और जब वो 60 साल का हो जाता है तो उसको कम से कम 3,000 रुपये पर महीने की पेंशन मिलती है। तो बहुत अच्छा स्कीम है। इसी तरह किसानों के लिए पेंशन स्कीम है, इसी तरह शॉपकीपर्स के लिए पेंशन स्कीम है। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी का जो अभियान है जो भारत सरकार ने किया है, वो उन लोगों के लिए है जो आज तक किसी भी पेंशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाते थे और गाँव में और दूर दराज में रहते थे, उनको ये बेनिफिट एक्सटेंड करने के लिए भारत सरकार ने पेंशन योजनाएं शुरू की गई। सर, पेंशन, नेक्स्ट सवाल यही होता है कि किन किन लोगों को केटर करता है, कौन कौन सी ये पेंशन स्कीम है और कौन कौन से लोग इस पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, पहली जो स्कीम है वो है प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन योजना। इसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर काम करते हैं वो एलिजिबल होते हैं और उनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। तो कोई भी 18 से 40 साल की उम्र के बीच में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति या महिला इस पेंशन स्कीम में भागीदारी ले सकते हैं। अगर इसमें एक दो कंडीशंस और भी हैं कि उन्होंने एनपीएस स्कीम नहीं ली हो और वो ईएसआईसी के बेनिफिट या ईपीएफओ के बेनिफिट नहीं लेते हो। तो अगर आप इन दोनों स्कीम में भागीदारी नहीं कर रहे हैं तो आपने ये प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन स्कीम में हिस्सा ले सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे करके अपने आप को, अपने बुढ़ापे को सुरक्षित कर सकते हैं। ये तो श्रम योगी मानधन वाली स्कीम है। इसी तरह भारत सरकार ने किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर किसान मानधन योजना। देश में करीब 14 करोड़ फार्मर्स हैं और 14 करोड़ फार्मर्स को भी जरूरत पड़ती है कि उसके बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए, उनको जब 60 साल से ज़्यादा हो जाता है तो काम नहीं कर पाते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। स्कीम की प्रोविजंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन योजना के हैं। द ओनली थिंग इज कि उसकी एक हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। तो जिसकी एक हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन नहीं है, इनकम टैक्स पे ही नहीं है, वो किसान अपने आप को इस स्कीम में भागीदार ले सकता है। भारत सरकार ने एक पीएम किसान सम्मान योजना भी स्टार्ट की थी जिसमें हर किसी फार्मर को भारत सरकार 6,000 रुपये देती है, उसके अकाउंट में 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। तो जो किसान पीएम किसान सम्मान योजना में जिनको मिलता है, उन किसानों को और भी एडवांटेज हैं कि वो अगर पीएम किसान श्रम योगी मानधन योजना में भाग लेना चाहते हैं तो उनको कंट्रीब्यूशन भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन उनके पीएम किसान सम्मान योजना से कट सकता है और उनको बिना कंट्रीब्यूशन दिए भी ये प्राइम मिनिस्टर किसान मानधन योजना स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है। तो पेंशन उनको मिल जाएगी और उनका तो लाभ ही होगा कि भारत सरकार उनको इक्वल अमाउंट और एडिशनल देगी जो उनको पहले नहीं मिल पाता था। जी,
सर अगला क्वेश्चन यही आता है कि सीएससी ये जो जितनी भी पेंशन स्कीम है, सीएससी इसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचा रहा है और क्या भूमिका अदा कर रहा है? देश में क्योंकि 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर हैं और सारे करीब करीब सारी पंचायत में हैं, तो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ही इन पेंशन स्कीम्स को लॉन्च किया गया ताकि वो लोगों को बता सकें, अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, मोबिलाइज कर सकें और लोगों की मदद कर सकें उनकी डिटेल्स भरने में और उनके जो इनिशियल अमाउंट है उसको कलेक्ट करने में भी उनकी मदद कर सकें। तो अगर कोई भी श्रम योगी पेंशन में लेबर या कोई भी किसान इस स्कीम के बेनिफिट को लेना चाहता है तो अपने आसपास के कॉमन सर्विस सेंटर पे जा सकता है और जाकर के अपना एक बैंक का पासबुक लेना होगा और एक आधार कार्ड, दोनों के डॉक्यूमेंट को लेकर के अपने को कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके रजिस्टर कर सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको एक जो इनिशियल अमाउंट है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो सीएससी को देना होगा और बाकी इंस्टॉलमेंट के लिए उनको एक कंसेंट देना होता है ताकि उनके अकाउंट से वो पैसा हर महीने कट जाता है और वो पैसा एलआईसी के पास चला जाता है क्योंकि इसका फंड मैनेजर एलआईसी है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इस फंड को मैनेज करती है, तो उनके अकाउंट से पैसा कट करके पहली किस्त के बाद में चला जाता है। तो कॉमन सर्विस सेंटर आपकी मदद करेगा, आपको स्कीम के बारे में बताएगा और आपका फॉर्म और डिटेल भरने के बाद में आपको एक कार्ड प्रिंट करके देगा जिसमें आपका एक यूनिक नंबर होगा और वो नंबर आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, कहीं भी आप अगर वहाँ से जा करके दूसरी जगह चले जाते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं तो उस नंबर के मार्फत से आप अपने पेंशन अकाउंट की डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं और अपने खाते में कितने अमाउंट हुआ है उसको भी आप जान सकते हैं। जी सर, आपने बताया कि हर मंथ कोई अमाउंट बेनिफिशियरी के अकाउंट से डिडक्ट हो रहा होता है, तो ये अमाउंट कैलकुलेट कैसे होता है कि आपका मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन एक एक्स वाई जेड अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सी देखिए, 18 से 40 साल की उम्र है, रफ फार्मूला एक बनाया गया डिपेंडिंग ऑन दी एज प्रोफाइल। तो अगर आप 18 साल के हैं तो आपको ₹50 महीना देना होगा, अगर आप 29 ईयर्स के हैं तो आपको ₹100 महीना देना होता है और अगर आप 40 ईयर्स के हैं तो आपको ₹200 महीना देना होता है। तो इसी की एज के बीच में बाकी संबंध, तो 18 से 29 ईयर्स वालों को 50 से 100 के बीच में डिपेंडिंग ऑन द एज और 100 से और 29 से 40 वालों को 100 से 200 के बीच में अमाउंट देना होता है मंथली। वो कैलकुलेशन सीएससी वाला उनको बता देगा, देयर इज ऑलरेडी एन ऑटोमेटिक कैलकुलेटर जो एज प्रोफाइल के हिसाब से कैलकुलेशन करता है और कैलकुलेशन करने के बाद में आपके अमाउंट को आपसे कंसेंट लेकर के आपके अमाउंट को डिडक्शन के लिए फॉर्म में भर देते हैं। सर अगला क्वेश्चन ये आता है कि बेनिफिशरीज कुछ समय तक सर्विस का लाभ ले रहे होते हैं लेकिन एक समय के बाद उन्हें इस एग्जिट प्रोविजन जानना होता है कि अब हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो एग्जिट प्रोविजन क्या है कि कैसे इस सर्विस को बीच में रोका जाए? क्या कोई फीस काटी जाती है जितना पैसा आपका जमा हुआ है, कुछ उसमें डिडक्शन होती हैं? देखिए, एक इस स्कीम का जो सबसे बड़ा अच्छा पहलू ये है कि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। तो अगर आपने कभी आपको आप लेबर थे और आपकी फिर नौकरी लग गई और आप ईपीएफ में कन्वर्ट हो गए तो उस समय आप स्कीम के दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं लेकिन भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं होगा, तो आप अपना पैसा दे सकते हैं और भारत सरकार उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगी अगर आप इस स्कीम में इनएलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं और फिर भी आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो जब आप विड्रॉ करना चाहेंगे, अगर आप 10 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो आपको जितना पैसा है उस सेविंग्स बैंक के इंटरेस्ट के साथ में आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन वो अपना पोर्शन मिलेगा, भारत सरकार का पोर्शन नहीं मिलेगा। और अगर 10 साल के बाद लेना चाहते हैं तो आपको सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट या उसमें जितनी इनकम जनरेट हुई है उनके इन्वेस्टमेंट से जो ज़्यादा होगा उसके हिसाब से आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो इसमें पैसा सेफ है, सिक्योर है और कहीं जाने की कोई किसी को परेशानी नहीं क्योंकि भारत सरकार की स्कीम है, तो बहुत रिस्क फ्री है और बहुत कन्वीनियंटली डिजाइंड है और सेल्फ सर्टिफिकेशन लिया जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सो इफ यू से माई इनकम इज लेस देन 15,000 rupees इन ए मंथ, इट इज प्रिज्यूम टू बी करेक्ट, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन है, सिंपल है, रिस्क फ्री है, शायद इससे अच्छी स्कीम पहले तो कभी नहीं और मुझे लगता नहीं कहीं भी देश में या विदेश में ऐसी कोई अच्छी स्कीम बनी हो और इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ हो। जी सर, आर व्यूअर्स वांटेड टू नो दैट व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ ऑफ बेनिफिशियरी, कैन स्पाउस कैन कंटिन्यू द सर्विस और क्लेम द अमाउंट, व्हाट इज द प्रोविजन हियर? सी, अगर बेनिफिशियरी की किसी कारणवश
डेथ हो जाती है स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में, तो जो उनका स्पाउस है या नॉमिनी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी पोर्शन को वो सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं और 60 साल के बाद में उनको फिर वही 3,000 रुपये मिल सकता है। जी सर, कई राज्य सरकारें भी पेंशन स्कीम लॉन्च कर रही हैं, कई बेनिफिशियरी उसमें ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, तो ऐसे केस में क्या दो पेंशन स्कीम का लाभ एक साथ उठाया जा सकता? ये जो प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी और किसान मानधन योजना स्कीम है, इनमें जो इनएलिजिबिलिटी है वो सिर्फ नेशनल पेंशन स्कीम की है। अगर आपने अटल पेंशन योजना में भी किया है तो भी आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और दोनों का बेनिफिट उठा सकते हैं। इसी तरह स्टेट का है, अगर आप कोई स्टेट की पेंशन स्कीम आपको मिलती है तो आप ये वाली स्कीम का भी बेनिफिट, इसमें उसकी इनएलिजिबिलिटी नहीं है। तो भारत सरकार की स्कीम में सिर्फ इनएलिजिबिलिटी है अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में सब्सक्राइबर हैं, बाकी किसी पेंशन स्कीम की इनएलिजिबिलिटी भारत सरकार की इन स्कीमों में नहीं है। जी, एक नया टर्म हमें सुनने को मिल रहा है, डोनेट PMSYM, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, श्रमयोगी मानधन योजना लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन अभी भी लोगों को, काफ़ी लोगों को लगता है कि 60 साल तक शायद कौन जिएगा, उसके बाद कौन पेंशन देखेगा। लेकिन जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रल एड्रेस में किया था कि ये तो ये बेनिफिट हम उन सिक्योर सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट उन लोगों को दे रहे हैं जो 60 साल के बाद शायद काम ना कर पाए या कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं उपलब्ध हो, उनकी सेवा के लिए, उनकी सहूलियत के लिए ये पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। डोनेट PMSYM का मतलब है कि जैसे सरकार ने सब्सिडी, गैस सब्सिडी के लिए कहा था कि आप वॉलंटरी कीजिए, अगर आप अपने सब्सिडी को ना लेने की इच्छा प्रकट करें, तो काफ़ी लोगों ने, करीब मोर देन 1 करोड़ पीपल हैव एक्चुअली लेफ्ट सब्सिडी फ्रॉम LPG, वो प्राइम मिनिस्टर के आह्वान पे। इसी तरह क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम और पेंशन स्कीम का एक आंदोलन है, तो सरकार ने ये भी सोचा कि हम ऐसा करें कि लोगों को बोलें, जिनके घर में लोग काम करते हैं या जो जिनका पास ड्राइवर है या उनका वॉशरमैन है, उन लोगों के लिए वो आदमी अपने पैसे से उनकी पेंशन स्कीम कर सकता है। तो हर अच्छा आदमी, हर आदमी, अगर हर फैमिली अपने यहाँ एक परिवार, एक आदमी की मदद करके उसके लिए पेंशन स्कीम शुरू करेगा, तो देश में बहुत बदलाव होगा और उन लोगों की और महिलाओं की जो आपके लिए काम करते हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी होगी और 60 साल के बाद में उनका जीवन सुधर जाएगा। जी, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार का। एक और क्वेश्चन सर, कि PMSYM और NPS ट्रेडर्स में दोनों पेंशन्स में क्या क्या एक ही व्यक्ति दोनों पेंशन में आवेदन कर सकता है? देखिए, एक दो स्कीम तो हमने बता दी, श्रमयोगी और किसान मानधन। इसी तरह भारत सरकार ने एक स्कीम, पेंशन योजना लॉन्च की है, वो है दुकानदारों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, जो छोटे दुकानदार हैं, ट्रेडर हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं, उनको भी पेंशन की सहूलियत देने के लिए सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है। इसमें भी प्रोविजन सिमिलर है, सिर्फ उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा एनुअली नहीं होना चाहिए, बाकी सारी कंडीशन सेम है। तो कोई भी छोटा दुकानदार गांव में या शहर में इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है और अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। जितना अमाउंट उसकी एज के हिसाब से कैलकुलेट होगा उतना ही सरकार अपने उस फंड में देगी और उसको 60 साल के बाद में उसको वो 3,000 रुपये मिनिमम पेंशन मिल सकती है। जो नेशनल पेंशन स्कीम है वो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो लेबर हो, ये लोग अगर नेशनल पेंशन स्कीम में सब्सक्राइब हैं तो फिर ये इन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दी स्कीम्स एज पर दी एक्सटेंड गाइडलाइंस। जी सर, आपने बताया कि PMSYM और PM किसान योगी मानधन योजना दोनों ही CSC के थ्रू भारत देश में चलाई जा रही है, तो ऐसे केस में अगर कोई वेली गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है या जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो नहीं कर रहा है, उस समय क्या एक्शन CSC की तरफ से लिया जाता है? देखिए, क्योंकि पेंशन स्कीम है तो ऐसा लगता नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा, तो हमने एक फैसिलिटी क्रिएट की है कि अगर गलती से किसी का अकाउंट नंबर गलत भर दिया गया है तो एक एडिट ऑप्शंस है, हमारी साइट पर जाके आप मानधन.in या साइट पर जाकर के इन स्कीम के बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसमें अगर किसी ने गलती से या बाय मिस्टेक कुछ नंबर या अकाउंट नंबर में कोई डिफरेंस हो गया है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है, करेक्शन की सुविधा है।
और करेक्ट कर करके आप अपनी स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी। दूसरा देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर के अलावा भी अगर आप डायरेक्टली भी करना चाहते हैं तो वो भी इसमें सहूलियत है। हमारी साइट पे मानधन.in पे जा कर के आप सेल्फ, एक फीचर है कि आप सेल्फ करना चाहते हैं तो आप उसमें जाइए, उन डिटेल्स को भरिए, अपने लिए एक OTP जनरेट करके अपना मोबाइल नंबर के लॉगिन हो जाइए और जिस बेनिफिशियरी को आप सपोर्ट करना चाहते हैं उसकी डिटेल भर करके और उसके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, आपको वही फैसिलिटी मिलेगी जो कि कॉमन सर्विस सेंटर, क्योंकि जो डोनेट करेंगे वो अपने पास भी, अपने कंप्यूटर में, अपने घर पे भी कर सकते हैं, उनको ज़रूरी नहीं है CAC पे जाने की ज़रूरत पड़े और वो अपने घर में या किसी और सपोर्ट सिस्टम को यूज़ कर करके भी लोगों की मदद करके पेंशन स्कीम का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सर आपने बताया कि ये जो स्कीम्स है किसान इसमें इंक्लूड हो गए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोग इसमें इंक्लूड हो गए, इवन छोटे दुकानदारों के लिए भी पेंशन स्कीम है, तो कोई एक ऐसा वर्ग रह जाता है जो ग्रे जोन में रह गया, जो इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आता, उन लोगों के लिए क्या कोई पेंशन स्कीम है, कोई ऐसा स्कीम है जिसमें वो अपने लिए पेंशन आवेदन कर सकते हैं? देखिए, हम जैसा इन सारी स्कीम्स में 18 से 40 साल की उम्र के लोगों को ही एलिजिबिलिटी है, लेकिन अगर कोई 40 से ज़्यादा है तो वो इन स्कीम का भागीदारी नहीं हो सकते हैं, इन स्कीम में कवर नहीं होते हैं। लेकिन भारत सरकार की एक स्कीम है नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि PFRDA के माध्यम से इम्प्लीमेंट की जाती है, और वो स्कीम बिल्कुल ऐसी है जैसे आज सरकारी एम्प्लॉई को मिलती है। अगर कोई सरकार में आज नौकरी करने जाता है तो उसको जो पेंशन इसकी है वो बिल्कुल नेशनल पेंशन स्कीम की तरह है। इसका मतलब क्या है, सेफ है, सिक्योर है, रिटर्न्स आर बेटर एंड इन दैट सेंस इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट अ गवर्नमेंट सर्वेंट्स गेट्स इट। सो जो लोग 40 साल से उम्र ज़्यादा है या जिनका इनकम क्राइटेरिया जो हमने इन स्कीम में है या लैंड का क्राइटेरिया जो स्कीम में है उनमें उनके हिसाब से एलिजिबल नहीं है, वो लोग अपने आप को नेशनल पेंशन स्कीम में रजिस्टर कर सकते हैं अपने आसपास के CAC सेंटर में जाकर के, और CAC सेंटर के पास वो फैसिलिटी है कि वो हर एक की मदद करके उसको नेशनल पेंशन स्कीम में रजिस्टर करता है। रजिस्टर करने के बाद उसको एक प्रैन नंबर मिलता है और फिर वो अपने सब्सक्रिप्शन को दे सकता है उसमें, और उनकी ईयरली स्टेटमेंट भी उनको आती है कि उनका कितना पैसा हो गया है, एंड देन दे कैन फॉलो सेम गाइडलाइंस जो प्रेस्क्राइब। तो देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर में करीब करीब हर फैमिली को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का प्रावधान है, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो, किसी जाति का हो और कोई भी इनकम लेवल वाला हो। जो 18 से 40 और कुछ इनकम क्राइटेरिया के बेसिस में है उनको प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी, प्राइम मिनिस्टर किसान मानधन और व्यापारी मानधन स्कीम में कवर किया जाता है, और जो बच जाते हैं उनको नेशनल पेंशन स्कीम में कवर जाते हैं। तो हमारे लिए तो कॉमन सर्विस सेंटर के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन है कि हम देश में हर एक परिवार को, चाहे वो गाँव में रहता हो और चाहे शहर में रहता हो, उनको हम एक पेंशन स्कीम के द्वारा कवर कर सकें, उनको बेनिफिट एक्सटेंड कर सकें, और वो बेनिफिट से उनका बुढ़ापा बच जाएगा और 60 साल की उम्र के बाद उनको सोशल सिक्योरिटी। देखिए, एक ही घर में अगर दो पुरुष और महिला हैं, अगर दोनों ही सब्सक्राइब करते हैं तो उनको उस समय 6,000 रुपये मिलेंगे। 6,000 रुपीज टू फैमिली ऑफ टू पीपल आफ्टर द एज ऑफ 60 इज़ वेरी गुड फॉर देयर सिक्योरिंग देयर फ्यूचर। तो बहुत अच्छी स्कीमें हैं और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं, और हम तो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इसको एक आंदोलन के रूप में लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे कॉमन सर्विस सेंटर जो गांव-गांव में है इसका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, लोगों को समझाएंगे और सभी लोगों को और सभी परिवारों को इन स्कीम्स का बेनिफिट एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और हमें बताया कि पेंशन की क्या महत्ता है और भारत जैसे देश में इसकी क्यों ज़रूरत है। इस उम्मीद के साथ कि CSC संवाद की अगली कड़ी में आपसे एक नई सर्विस के साथ हम फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक PM डोनेट PMSYM का लाभ नहीं उठाया है, अपने घर में काम करने वाली बाई या ड्राइवर को जरूर इस सर्विस में एनरोल करें। आप नहीं जानते आप किसका भविष्य सिक्योर कर रहे हैं। इस अगली बार मिलने की उम्मीद के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।